आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर यीशु मसीह का जन्मदिन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आप सबको आज यीशु मसीह के जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। रॉबर्ट विलियम जी, हमें लगता ही नहीं है कि हमारे सगे भाई नहीं हैं। हर तरह का सहयोग इनका मेरे साथ रहता है और स्वच्छता के ऊपर तो बहुत सारा काम ये करते हैं जो शायद बहुत कम लोग मेरे वार्ड में करते होंगे। आज कई कार्यक्रम चंडीगढ़ में था, 3-4 को परमेश्वर यीशु मसीह का ही था। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है, उसका भी आपको बधाई देता हूँ। परमेश्वर की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। बहुत दिनों से जब भी मैं कार्यक्रम में आता हूँ, इस बार नहीं बोले, मुझे लग रहा था कि कहेंगे कि मुझे कुछ जगह प्रेयर के लिए डिमांड करते रहते, भाई साहब इनको भी शायद मेरी मजबूरी का पता होगा। पर विकास नगर में एक प्रयास हमने किया है, आज मैं वहाँ गया था, वो लोग बड़ा खुश थे। धीरे धीरे वो नम्र होना भी चाहिए, पूजा इबादत और प्रेयर के लिए जगह सबको मिलनी चाहिए। तो शायद वो धीरे धीरे मैं लगा हूँ कि सब का बना है, तो वो भी एक छोटा सा स्थान वहाँ बन गया है। आप भी देखे होंगे शायद, कोशिश मेरी रहेगी कि ईश्वर की कृपा हुई तो यहाँ भी कहीं कोई स्थान देखेंगे हम आपके लिए। अभी भाई साहब कह रहे थे कि काफ़ी बच्चों का इलाज में और उसमें, तो प्रभु की कृपा है जो इस लायक हम लोग बने हैं। मैं भी जब चंडीगढ़ में आया था, गरीब परिवार से था, फैक्ट्री में नौकरी करता था और लोगों की समस्याओं के बारे में बखूबी जानता हूँ। गरीबी हमने बहुत नज़दीक से देखी है, इसलिए मन में रहता है कि मैं जितनी भी सेवा कोई आता है उसके कर सकूँ किसी भी तरह से। भाई साहब जानते हैं और परमेश्वर की ही कृपा है, वो हो पाता है। किरण जी से भी मैंने लगभग 15-20 लोगों को 2-2.5 लाख जो भी इस्टीमेट बनता है PGI से या 32 से दिलवाने की हमने कोशिश की है और मिला भी है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, प्रभु परमेश्वर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सभी लोग स्वस्थ हो, लंबी आयु हो। और हर वर्ष बड़ा सुंदर आयोजन मेरे भाई रॉबर्ट जी करते हैं। पिछली बार तो शायद बिटिया भी हमारे बीच में थी, आज ऑस्ट्रेलिया से उसका मैं वीडियो कॉलिंग पे देखा हूँ, रो रही थी, मिस कर रही थी, हम भी उसको मिस कर रहे हैं। तो बड़ा उत्साह से वो बच्चों को तैयार करती थी, पर उसकी इच्छा है जिसको जिस हाल में जहाँ रखना है, जिसको जहाँ सेवा देनी है वही देता है। मैं लास्ट में एक ही बात कहता हूँ, जहाँ भी रहिए, कई बार लोग कहते हैं मैं वहाँ गया तो मुझे आस्था दो, विश्वास जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक वो भी सुनता नहीं है, तो उस पर भरोसा रखिए। निश्चित तौर पर आपकी सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण करेगा। और भाई साहब का जब भी कोई आदेश होता है, कई बार फोन नहीं उठा पाता हूँ, नाराज होते हैं, पर ऐसा मेरे मन में रहता नहीं है। मेरी अपनी वाइफ से रोज सुनने को मिलता है, मैंने 3 फोन किया आपने उठाया नहीं। ऐसे कार्यक्रमों में रहता हुआ फोन साइलेंस पे है, जेब में है, बाकी हमारे कोई भी सेवा सहयोग जहाँ भी आप आदेश करेंगे मैं आपके साथ हूँ। स्कूल हमारे एरिया में, मुझे लगता है ये मेरा वार्ड है, जब किरण जी जीत के आई थी तो उन्होंने मुझे प्रायोरिटी पूछा था कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपके वार्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने उनको कहा था बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल्स कम हैं, तो उन्होंने 3 स्कूल हमारे एरिए को दिए हैं। आपने देखा होगा रायपुर कला में रोड के साथ ही एक, चरण सिंह में और एक रेलवे लाइन के साथ, 27-28 करोड़ रुपए के स्कूल लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। तो बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है और आप लोग तो बहुत करते भी हैं, स्कूल बहुत सारे
चल रहे हैं पूरे चंडीगढ़ उसमें। तो जो भी है अगले साल से मार्च के बाद स्कूलों में प्रवेश शुरू हो जाएगा। तो जो भी बच्चे आसपास के हैं, सिर्फ अपने ही नहीं, आप लोग तो करते ही हैं, बच्चों को लेके जाते हैं स्कूलों में, तो उसमें भेजने के और स्वच्छता के प्रति जरूर जागरूक रहें। इन शब्दों के साथ एक बार मैं भाई साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए। जब भी मैं आया हूँ तो इनके बुलावे पर यही बुलाते हैं मेरे को। धन्यवाद, थैंक यू।